नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज पल इंडिया में। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। वैश्विक महामारी ने एक बार फिर पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया है। महामारी लगातार फैल रही है और मौतें भी लगातार हो रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको अगर हल्का सा बुखार हो और आप उसे भी कोरोना ही समझ बैठे, इसमें आप हिम्मत रखें और डॉक्टर की सलाह जरूर लें। ये रिपोर्ट देखिए और कोरोना संक्रमण से मरने और बचने वालों में फर्क क्या है समझिए। दरअसल कोविड बीमारी करने वाला कोरोना वायरस इंसानी शरीर के लिए नया वायरस है। इससे लड़ने की प्रक्रिया में शरीर का इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट कर सकता है, जिससे वो शरीर को ही क्षति पहुंचा सकता है। मरने वालों में ज्यादातर वो लोग हैं जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि दूसरों को इससे खतरा नहीं है। कोरोना बहुत से सेहतमंद और नौजवान लोगों की भी जान ले रहा है। अब आप ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर इसकी वजह क्या है, तो चलिए इसकी खास वजह क्या है ये भी आपको बताते हैं। जानकारों की माने तो हमारे शरीर में जब भी कोई बैक्टीरिया या वायरस घुसता है तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता उससे लड़ती है और उसे कमजोर करके खत्म कर देती है। लेकिन कई बार हमारे शरीर के दुश्मन या बीमारी से लड़ने वाली कोशिकाएं बागी हो जाती हैं और इस खतरनाक वायरस को खत्म करने की कोशिश में खुद ये हमारे ही शरीर को नुकसान पहुंचाने लगती है। और बाद में होता ये है कि जिन कोशिकाओं की उन्हें हिफाजत करनी है, ये लड़ाकू दस्ता उन्हीं पर हमला बोल देता है। जानकार ये भी बताते हैं कि जब हमारा इम्यून सिस्टम जरूरत से ज्यादा सक्रिय होकर रोगों से लड़ने के बजाय हमारे शरीर को ही नुकसान पहुँचाने लगता है, तो उसे साइटोकाइन स्टॉर्म कहते हैं। ऐसी स्थिति में इम्यून सेल फेफड़ों के पास जमा हो जाते हैं और फेफड़ों पर हमला कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि इस प्रक्रिया में खून की नसें फट जाती हैं, उनसे खून रिसने लगता है और खून के थक्के बन जाते हैं। नतीजतन शरीर का ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। दिल, गुर्दे, फेफड़े और जिगर जैसे शरीर के नाजुक अंग काम करना बंद करने लगते हैं, या कह सकते हैं कि ये शिथिल पड़ने लगते हैं। इस स्थिति को जांच और इलाज के बाद नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन कोविड 19 के मरीजों में इसे काबू करने के लिए क्या तरीका हो सकता है फिलहाल कहना मुश्किल है। शरीर में जब भी साइटोकाइन स्टॉर्म होता है तो ये सेहतमंद कोशिकाओं को भी प्रभावित करता है। खून के लाल और सफेद सेल खत्म होने लगते हैं और जिगर को नुकसान पहुँचाते हैं और स्थिति ये बन जाती है, इससे इंसान कोमा में भी जा सकता है। हालांकि जानकार ये भी बताते हैं कि साइटोकाइन स्टॉर्म के दौरान मरीज को तेज बुखार और सिरदर्द होता है। कई मरीज कोमा में भी जा सकते हैं। ऐसे मरीज हमारी समझ से ज्यादा बीमार होते हैं। हालांकि अभी तक डॉक्टर इस परिस्थिति को महज समझ पाए हैं। जांच का कोई तरीका हमारे पास नहीं है। कोविड 19 के मरीजों में साइटोकाइन स्टॉर्म पैदा होने की जानकारी दुनिया को वुहान के डॉक्टर से ही मिली है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने 29 मरीजों पर एक रिसर्च की और पाया कि उनमें IL-2 और IL-6 साइटोकाइन स्टॉर्म के लक्षण थे। कहा तो ये भी जाता है कि वुहान में ही 150 कोरोना केस पर की गई कुछ रिसर्च से ये भी पता चलता है कि कोविड से मरने वालों में IL-6 CRP साइटोकाइन स्टॉर्म के मॉलिक्यूल इंडिकेटर ज्यादा थे, जबकि जो लोग बच गए थे उनमें इन इंडिकेटरों की उपस्थिति कम थी। अमेरिका में भी कोविड के मरीजों में साइटोकाइन स्टॉर्म का प्रकोप ज्यादा देखा गया है। डॉक्टर्स का कहना है कि कोविड 19 के मरीजों में प्रतिरोधक क्षमता के सेल्स फेफड़ों पर बहुत जल्दी और इतनी तेजी से आक्रमण करते हैं कि फेफड़ों पर फाइब्रोसिस नाम के निशान बन जाते हैं। ऐसा शायद वायरस की सक्रियता की वजह से होता है। ऐसा पहली बार नहीं है कि साइटोकाइन स्टॉर्म का रिश्ता किसी महामारी से जोड़कर देखा जा रहा है। तकनीकी तौर पर देखा जाए तो 1918 में फैले फ्लू और 2003 में सार्स महामारी के दौरान भी शायद इसी वजह से बड़े पैमाने पर मौतें हुई थी, और शायद H1N1 स्वाइन फ्लू में भी कई मरीजों की मौत अपनी रोग प्रतिरोधक कोशिकाओं के बागी हो जाने की वजह से ही हुई थी।
उज्जौर में भी इस सॉर्स महामारी का कारण भी कोरोना वायरस परिवार का ही एक सदस्य था। वैज्ञानिकों के मुताबिक महामारी वाले फ्लू में मौत शायद वायरस की वजह से नहीं बल्कि मरीज के शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता अत्यधिक सक्रिय होने की वजह से ही होती है। जब शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता ही असंतुलित हो जाएगी तो इसमें मरना एकदम तय हो जाता है। अपनी इम्यून सेल को बेकाबू होने से बचने के लिए जरूरी है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को ही शांत किया जाए। एक मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इसके इलाज के लिए स्टेरॉइड ही पहली पसंद है, लेकिन कोविड के बारे में अभी ये साफ नहीं है कि स्टेरॉइड इसमें लाभकारी होंगे या नहीं। कुछ खास तरह के साइटोकाइन रोकने के लिए कई तरह की दवाएं बाजार में उपलब्ध हैं। ऐसे में मान लीजिए साइटोकाइन से लड़ने के लिए स्टेरॉइड अगर बम है तो अन्य दवाएं टारगेटेड मिसाइल हैं। मरीजों को ये दवाएं इसलिए दी जाती हैं ताकि इम्यून सिस्टम बरकरार रहे और गड़बड़ कोशिकाएं खत्म कर दी जाएं। मिसाल के लिए ट्रेनेट एक प्राकृतिक मानव प्रोटीन का संशोधित संस्करण है जो साइटोकाइना IL-1 के लिए रिस्ट्रेट्स को रोकता है। ये रिम्यूमोटाइड आर्थराइटिस के इलाज के लिए अमेरिका की सरकार से मान्यता प्राप्त है। इसी तरह टॉसिस ली जुबाम एक्स्ट्रोमा भी कोरोना में फायदेमंद साबित हो सकती है। सामान्य तौर पर इसका इस्तेमाल भी गठिया जोड़ों के दर्द और इम्यूनोथेरेपी वाले कैंसर के मरीजों में साइटोकाइन स्ट्रॉम नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। माना तो ये भी जाता है कि फरवरी महीने में चीन में कोरोना के 21 मरीजों पर इसका इस्तेमाल किया गया था। कुछ ही दिनों में कोविड के बहुत से लक्षण कम हो गए थे। 2 हफ्ते में ही 19 मरीजों को घर भेज दिया गया था। हालांकि कोरोना के लिए साइटोकाइन ब्लॉकर्स पर कई तरह की मेडिकल रिसर्च भी की जा रही है। टॉसिलिजुमाब पर इटली और चीन में भी रिसर्च की जा रही है। कोविड के मरीजों में साइटोकाइन स्ट्रॉम नियंत्रित करने में टॉसिलिजुमाब काफी कारगर साबित हुई है। डॉक्टर्स का कहना है कि साइटोकाइन स्ट्रॉम को पहचानना ही अपने आप में बड़ी बात है। अक्सर देखा जा गया है कि आकर गुजर जाता है लेकिन डॉक्टर इसे समझ ही नहीं पाते। रोग प्रतिरोधक क्षमता हमें रोगों से बचाती है लेकिन अगर ये ही हमें मौत के घाट उतार दे तो फिर क्या किया जाए। यकीनन हमें अपनी क्षमता को बागी होने से रोकना ही होगा। रिसर्चर्स इस दिशा में काम कर रहे हैं। आज की हमारी रिपोर्ट में बस इतना ही। आपको हमारी रिपोर्ट कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगली बार फिर होंगे हाजिर एक और नई रिपोर्ट के साथ। नमस्कार।